कितनी प्यारी लग रही हो, आज मेरे पैसे वसूल हो गए। हाय राम ने लड़के कितनी साड़ी लग रही है, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बस अम्मी मुझे तो इस बात का डर है कहीं मैं मुझो और ससुराल वाले पहचाने ही ना कि हम तो किसी और को लेके आए थे। ये तो सब कुर्सी पाला वाले का कमाल है जो पुरानी चीज को भी जाया कर गए। अम्मी अरे अम्मी वो बुढ़ी पार्लर नहीं ब्यूटी पार्लर हो रहे हैं। होगा जो होगा मैं तो जाना हूँ तुम्हें। हमें पता बुढ़ी पार्लर का, हमें तो क्रीम का पता, हमें भैंस पाउडर का पता। अरे अम्मी वो भैंस पाउडर नहीं फैट पाउडर हो रहे हैं। होगा जो होगा मेरी भाभी तो पालो सी थी, आज तो कतई अंग्रेजी सी लग रही बुढ़ी फूल अरे ऐसी लग रही जैसे अब तक मुझे ऐसे जैसा कि क्या हो। अरे अम्मी जब तू मुझे एक बार कह रही फिर ससुराल वाले भी कह रहे क्या? जरूर कहेंगे। मेरे भागों की किस्मत इतनी गनी कार में जागी कार में अन्नी हम देख घोड़ा कुश्ती में गए थे, आज तीसरे दिन आता था और पले का तो गधे पलाया था। अरे अम्मी तू बुढ़ी होगी इतनी दिन में अरमान लियो फिर हो जाए जैसा तेरा बुढ़ा इतनी कार में लेना लगा। चल इतनी ना बोल ले निकल का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक बार भगवान की अम्मी को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे जवान सड़न दे। एक बार मेरी भगवान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं इमाम साहब को बुला के लाना। बुलाओगे? अरे इमाम साहब एक निका सा पढ़वाना। आ जाओ जी आ जाओ नहीं बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई आपके घर का क्या काम है? सड़ेगा मैं पूछ रहा हूँ नाम। मैं नाम ही तो बता रहा हूँ। सड़ेगा मेरे भाई की तुम्हारे घर का क्या काम है? भक्त परवीन। भक्त परवीन निकाह शुरू किया जाए। अब्दुल गफ्फार साहब अपनी बेटी भक्त परवीन और रोशन गाड़ी का इस माटे वाले के लड़के सड़ेले से करना चाहते हैं। क्या सड़ेले तुम्हें निकाह कबूल है? जी मेरा बेटा पूछ लो। सड़ेले निकाह मेरा हो रहा मेरा मेरा अपन निकाह तो मेरा ही हो रहा बताओ बस। अरे तीन मास में मेरा निकाह हो जा रहा है। बहुत खुश था और मैंने खुशी खुशी में हाथ कर दिया पछता रहा। अब तू भी खुशी खुशी में हाथ कर तो बाद में पछता लिया। ये कबूल है? सही कह रहा हूँ। क्या बाबू परवीन तुम्हें निकाह कबूल है? अरे अम्मी मैं तो जब हाँ करूँगी पहले ही उधर दूल्हा सोना है नहीं। ए बग्गो दूल्हे का बाप तो सोना लग रहा है, दूल्हा भी सोना ही होगा। अरे अम्मी तू दूल्हे के बाप पे क्यों ले मारती? दूल्हे को देखना सोना है नहीं ना ऐसे तो ऐसा लग रहा है कि कभी नाचता ही ना हो। सड़े ए बग्गो नाने की तो ऐसी बात है पिछले महीने तो लाया था जब सोनू की दुकान पर था साबुन चोरी करके लाया था। अरे सब तो मत ना मैं मिंगो मिंगो सी गर्मी अब हम घोड़ते नहीं था पंद्रह दिन लौटते को लौटता। ए भगो ये तो साफ सफाई का बहुत ध्यान रखे। अरे अम्मी तेरी भगो का इस सिलेंडर से कम है अम्मी का से पहले पहले सारी दुआ साफ करवा ली स्कूल होते हटाने की तो ऐसी बात है जब भी 5-6 महीने में जान में कुछ भी सारा है जब कुछ ना रगड़ लूँ। अरे अम्मी अभी देख ले तेरा जमाई बहादुर भी है नहीं। देख भगो बहादुरी की तो ऐसी बात है मैं चूहे मार दूँ मक्खी मार दूँ
अरे पता बगो मैं मच्छर भी मार दूं। अरे एक बार गुजर गया मैं जंगल से, वहाँ मुझे दिख गया शेर। मैंने शेर को देखा, शेर ने मुझे देखा, अजय से उसने जंप किया, मेरा टीवी बंद कर दिया। अरे अम्मी तेरा जवाई तो बहुत बहादुर है। अरे बगो इतनी ना बोल रहा, मेरी बच्चे से करवा लगी का। अरे अम्मी तेरी इज्जत ठीक है दे। चल जो भोग अबे मुंह ढक के निकाल के लिए हाँ कर जब। वैसे तो मेरा जी नहीं कर रहा हाँ करने को, नाम से इतना बुरा सा ठंडा। अरे मच्छी भी इतना बहादुर है ना, मच्छी मच्छर मार दे इसका मुझे निकाह कबूल है। नतीजे इनसे पूछना होता है कि मैं कौन सी गाड़ी दे रहे हैं। इस तरह बोलने इमाम साहब पूछ रहे हैं तेज में कौन सी गाड़ी दे रहे हैं। 20 का वाला 125। अभिजी के पैसे मार लिए। परवीन की माँ जरी पर मेरे निका के पैसे देते हैं। निका करवा दे मेरे साथ मिल जाएंगे। निका निका करवाता। आज से तो मैं निका का काम ही छोड़ दूँगा। चल बच्ची के। चल छोड़ दे, मैं कौन सा करवाने लगी थी। मैं तो पैसे देने को मारा कर रही थी। और मेरा तो निका हो रहा है, मेरा बुड्ढा मेरी मार देख रहा।